एयर स्टेज का। 53 का मतलब क्या है, जो हमारा ड्रेन पाइप है या ड्रेनेज का जो पंप है उसके अंदर में अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसके अंदर में ये दिक्कत आएगा। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे जो जितने भी जो इंडोर यूनिट है उसके जो है वाटर पंप हमको चेक करना चाहिए। वाटर पंप में अगर ख़राब क्या होता है, वाटर पंप में अगर वोल्टेज नहीं जाएगा तो वाटर पंप ख़राब नहीं होएगा लेकिन चलेगा नहीं। उसके अलावा अगर वाटर पंप में वोल्ट जा रहा है उसके बाद नहीं चल रहा है तो उसके अंदर में मोटर स्ट्रक हो सकता है। उस मोटर स्ट्रक नहीं है, पावर जा रहा है उसके बाद भी वाटर थ्रो आउट नहीं कर रहा तो स्किल्स हो सकता है। तो इस तरीके से 4-5 रीजंस होते हैं, उसको दूर करके आप वाटर ड्रेन को सही कर सकते हैं पंप को। 53 एरर कोड पे आगे चलते हैं और अगला जो एरर कोड है 51 एयर स्टेज में। 51 एरर कोड जो है वो है इंडोर यूनिट की फ़ैन मोटर को लेके। जब इंडोर यूनिट की फ़ैन मोटर में अगर कोई भी दिक्कत होएगा, दिक्कत तो बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रिकल दिक्कत और मैकेनिकल दिक्कत। देखो इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोटर वगैरह होती है ना, तो या कंप्रेसर वगैरह हो गया, तो उसमें दो तरीके की चीज़ें हो जाती है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में या तो मशीन स्ट्रक हो जाती है या बर्न हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों चारों चीज़ों को देखना है कि मशीन में दिक्कत कहाँ है। और इंडोर यूनिट की जिस भी इंडोर में ये दिक्कत होगा वो इंडोर में फैन नहीं चलेगा। आगे बताऊंगा कि जब भी आप इस तरीके से सिस्टम चेक करें तो कैसे चेक कर पाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर में ज़रूरी है। मेरा ट्रेनिंग आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बैच चालू करने की ज़रूरत नहीं, कभी भी ज्वाइन करो। लेकिन जब भी करो मानसिकता बना के चालू करो, क्योंकि मेरी हिंदी की ये लास्ट ट्रेनिंग से इसके बाद नहीं होने वाली है, इंग्लिश में होगी या प्री रिकॉर्डेड मिलेगी उसके बाद में। अगला जो एरर कोड है वो 12 एरर कोड। 12 का मतलब क्या हो गया, 12, यानी एयर स्टेज में 12 नंबर जो एरर कोड आता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वायर कंट्रोल थर्मोस्टेट के अंदर में दिक्कत, यानी वायर रिमोट कंट्रोल में दिक्कत। जो वायर लगा हुआ, एक तो स्प्लिट एसी में वायर नहीं होता है, एक वायर लगा हुआ जो डक्टेबल वगैरह का रहता है उसमें दिक्कत है, कहीं से कहीं डैमेज है, ख़राब है, दिक्कत है, वोल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको आप रिसॉल्व करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो एरर कोड है 16, यानी 16 नंबर एरर कोड, इसके अंदर में कम्युनिकेशन एरर है। और वो एरर कोड जो है कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो इंडोर यूनिट आपका, एक तो क्या पैरेलल जुड़े रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपने कभी रोंग जोड़ दिया, इधर से उधर जोड़ दिया, इधर से उधर कर दिया, मिसमैनेज कम्युनिकेशन का अगर हो रहा है तो उसका जो एरर कोड है वो है 16 नंबर। उसको आप इक्वली आप सही कर सकते हैं अच्छे से कम्युनिकेशन वायर करके इस तरीके से। तो अगला जो एरर कोड है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो है 14 नंबर, यानी 14 नंबर एरर कोड। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा जो इंडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट जो हमारे हैं, इंडोर यूनिट के अंदर में जो हमारा कम्युनिकेशन वायर है उसके वोल्ट नहीं आ रहे हैं, और कहीं पे वोल्ट नहीं आने की वजह से जो आता है वो कम्युनिकेशन एरर नहीं होता है, उसमें भी अलग अलग होता है, कभी वोल्ट नहीं आता है, कभी वोल्ट आ रहा है लेकिन मशीन में दूसरा एरर आ रहा है, जैसे 40 नंबर आ रहा, तो इसका मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन एरर है लेकिन नेटवर्क एरर है। अब नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि वायरिंग तो सही है आपकी, लेकिन नेटवर्क जो एड्रेसिंग के अनुसार हो रहा था उसमें कोई मिसमैनेज है, यानी कोई इंडोर उसके अंदर में डिसकनेक्टेड है, यानी नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगला जो एरर कोड है नो डिस्प्ले, नो डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले में कोई आ ही नहीं रहा है, कोई भी दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके के एरर कोड को किस तरीके से हमको रिसॉल्व करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो एरर कोड जब भी डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है उसमें हम मशीन के अंदर में क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर में जो डिफेक्टिव होएगा वो होएगा आपका आउटडोर यूनिट का पीसीबी, मेन पीसीबी। अब पावर सप्लाई जब हम ऑन करते हैं तो हमारे पास में जितने भी जो स्लेव है, जो कनेक्टेड स्लेव है और मास्टर यूनिट है, उन सब यूनिट्स का जो हमारे पास में डाटा आता है, कम्युनिकेशन डाटा आता है ना, वो मिसमैनेज है, उसकी वजह से हमको ये एरर कोड आएगा। और अधिकतर जब हम पावर यूनिट पावर जब हम स्टार्ट करेंगे मास्टर स्लेव यूनिट का, तब भी ऐसा होता है, कभी कभार अगर स्लेव का पावर ऑफ है तब भी ऐसा होता है। तो अच्छे से आप इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। एयर स्टेज 13 नंबर एरर कोड, यानी 13 नंबर एरर कोड, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसका जो मतलब होता है कम्युनिकेशन एरर कोड, कम्युनिकेशन एरर कोड किस के लिए, इसमें आपको कम्युनिकेशन एरर जो मिलेगा आपको,
ये आएगा आउटडोर यूनिट की मेन पीसीबी के अंदर में, और मेन पीसीबी के अंदर में ये आवर कोड आने का जो वजह है वो है स्लेव और मास्टर का। तो इस तरीके से आप उसके कम्युनिकेशन वायर चेक करके इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। 14 नंबर एरर कोड आगे है, वो भी नेटवर्क एरर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। 61 एरर कोड में क्या होता है, रिवर्स फेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अधिकतर आपको एरर कोड देखने के लिए मिलेंगे। 61 रिवर्स फेस के जितने भी एरर कोड है ना, सब कंपनियों के याद कर लीजिए, कम्युनिकेशन के याद कर लीजिए, मास्टर पीसीबी के, इन्वर्टर पीसीबी के, ये सारे मुख्य, और फैन कोयल के, पंप के, ये सारे मुख्य एरर कोड होते हैं जो आपको याद करना चाहिए। अगला 61 है, वो है अगला 61 आउटडोर यूनिट के अंदर में रिवर्स फेस मिसिंग फेस वायर, इसको आप सही कर सकते हैं। आपको पता है इजी तरीके से है, अगर फेस सिग्वेल अगर सही नहीं आ रहा है तो आप फेस 2 को 3 में कनेक्ट कर सकते हैं या 2 को 3 में कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर को नहीं छेड़ना है। तो इस तरीके से 61 एरर कोड का